अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। तो जनाब, क्या हाल है आप सबके? अच्छा जी, आज हम जा कर रहे हैं, मैं जा रही हूँ आज पर्दा पाक जो कि जमशेद रोड में, इसे हम मिनी ज़ू भी कह सकते हैं। और मिनी ज़ू कहते क्यों हैं वो आपको देख कर ही पता चल जाएगा। तो जी, हम आ गए हैं पर्दा पाक, और पर्दा पाक एंट्री टिकट है 10 रुपीज़ ओनली, जो कोई भी फैमिली अफोर्ड कर सकती है। पार्क में हम एंटर हो चुके हैं। पार्क के एक साइड जो है एंटर होते ही राइड्स हैं, और पार्क के दूसरी साइड जो है राइट हैंड साइड कैंटीन है, लेकिन हम जाएंगे राइड्स की तरफ। और ये एरिया सिर्फ राइड्स का है, आगे जो है गार्डन एरिया है, लेकिन हम पहले राइड्स देखेंगे। ये देखें, ज़बरदस्त सी राइड है, और हर एज ग्रुप की यहाँ पे राइड्स अवेलेबल है। हर एज ग्रुप का बच्चा यहाँ पे राइड्स एंजॉय कर सकता है। आपको दोबारा बता देती हूँ, ये पार्क जो है जमशेद रोड में है, पर्दा पार्क। प्लीज़ विज़िट करें यहाँ पे आके, बहुत ज़बरदस्त जगह है, फैमिली पार्क है ये, सिर्फ फैमिली अलाउ की जाती है यहाँ पर। फोर्टी मोशन राइड भी अवेलेबल है पर्दा पार्क में, और हर राइड की टिकट जो है 50 रुपीज़। आप कोई भी राइड लेते हो 50 रुपीज़ ओनली है ना, मुनासिब, जो कि बहुत कम जगहों में इतनी कम प्राइस में आपको राइड्स दी जाती हैं। बहुत हाई प्राइसेस होती हैं जिनकी वजह से हम बच्चों को राइड्स नहीं करवाते हैं। बच्चों के लिए तो राइड्स कितनी अहम होती हैं, पार्क में जाएँ और राइड्स ना लें ऐसा मुमकिन ही नहीं। अब हम जाएंगे गार्डन एरिया की तरफ। गार्डन एरिया में जो है केजेस हैं, दो तरह के केजेस हैं, एक केज है एनिमल का और एक केज आपको नज़र आएगा बर्ड्स का, लेकिन हम जाएंगे एनिमल के केजेस में पहले। ये हमें हिरन नज़र आई है, ये देखें इस तरह केजेस लगाए गए हैं। और ये गार्डन एरिया है, बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट। राइड्स का भी ज़्यादा यहाँ पे शोर नहीं होता है। एक्वेरियम आ गया जहाँ पे ऐसी मछलियाँ फिशेस रखी गई हैं। कैंटीन आ गया है यहाँ पे, कैंटीन में है आइसक्रीम, गोलगप्पे, बर्गर, चाय, आप कोई भी चीज़ लेते हो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है। गोलगप्पे यहाँ के बहुत मशहूर हैं, जो 100 रुपीज़ ओनली। इनके एक्शन चेक करें बस, आप स्टाइल देखें बस। ये है बर्ड्स केजेस, केज बहुत ज़बरदस्त बनाया गया है, एक बड़ा सा केज बनाया गया है जिस यहाँ सफाई का बहुत ख़ास ख्याल रखा गया है। सॉरी टू से, मुझे ये सफाई जो है ज़ू में नज़र नहीं आई है। हर केज के साथ हर पैरोट की डिटेल साथ दी गई है कि ये किस नस्ल का है, क्या खाता है और किस एज ग्रुप का है। आप सफाई देखें और यहाँ के खूबसूरत से बर्ड्स देखें। डिटेल भी दी गई है कि किस एज ग्रुप के हैं, क्या खाता है ये, क्या उम्र है इसकी, किस नस्ल का है। पिजन्स आ गए, कबूतर, एनिमल भी देख लिए, बर्ड्स भी देख लिए हैं, फिशेस देख ली हैं, राइड्स देख ली हैं। अब गोलगप्पे का टाइम आ गया, बहुत ज़बरदस्त गोलगप्पे होते हैं, ट्राई कीजिएगा। ओवरव्यू देख लीजिए पार्क का, ये है कह सकते ना सिर्फ मिनी ज़ू।
बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार पार्क बनाया गया है। हाँ जी, आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आया होगा मेरा। बहुत अच्छा ही पार्क है, टिकट भी मुनासिब है, राइड्स के टिकट्स भी मुनासिब हैं और बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट है। अपनी फैमिली को लेके जाएं वीकेंड में, वीकेंड एंजॉय करें। और अगर आपको पसंद आया मेरा ब्लॉग तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।